राम राम दोस्तों। हमारे समय में ना कोई दिवस होता था, ना कोई बर्थडे, ना कोई एनिवर्सरी, ना कोई केक कटिंग होती थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनके कितने मज़े हैं ना। रोज़ कभी कोई दिवस, कभी कोई दिवस और कभी कोई गिफ्ट। तो चलिए, आज मैं आपके साथ में आई हूँ। मैं हूँ आज रिद्धि सिद्धि फर्स्ट के अंदर। ये बहुत बड़ा मार्केट यहाँ बन चुका है, बहुत बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर आ चुके हैं। और इस साइड में ये देखिए, जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ, ये सारे नए शोरूम अभी बने हुए हैं, थोड़ा समय हुआ है। और मैं जा रही हूँ आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। मैं भी एक बालिका हूँ और मेरी बेटी, दोनों को मेरे पति देव आज लेके जा रहे हैं PVR और रिद्धि सिद्धि मॉल। रिद्धि सिद्धि मॉल में हम एक नई जगह जाके आने वाले हैं और उसका नाम है कैंडी हाउस। कैंडी हाउस वहाँ बहुत सारी टॉफीज, चॉकलेट बहुत सारी मज़ेदार है, मैंने काफ़ी सुना है। काफ़ी समय से सोच रही थी वहाँ जाऊँ, मुझे देख के बज रहा है ये। मौका मिला है, ये हमने एंट्री कर ली। एंट्री करते मुझे सामने टी शर्ट्स दिखाई दी, देखिए कितना शानदार, बहुत ही खूबसूरत। 26 चल रही है कि रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में ये डेकोरेशन पहले ही हो चुकी है। देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये मॉल। और मेरी नज़र पड़ी, मैं कह रही हूँ ना कि ऐसे ही नज़र पड़ी, टी शर्ट्स टंगी हुई यहाँ पे 99 की दे रहा है और काफ़ी सुंदर भी थी, तो मैं देखने लग गई। पर मुझे ये मैं यहाँ पे टी शर्ट्स देखने लगी, काफ़ी रीजनेबल टी शर्ट्स मुझे गर्मियों के लिए देखने। अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टी शर्ट ट्राई किया सर्दी है लेकिन नहीं मिली। और देखने फिर मैंने इसको 99 की टी शर्ट्स की अच्छी टी शर्ट थी, 99 के हिसाब से गर्मियों का था ये। चलो हम एक्सीलेटर पे चढ़े, उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर। ये एक्सीलेटर पे पता है पहले मैं चढ़ती थी ना, मुझे बहुत लगता था कि इसके अंदर पैर चला जाएगा और फिर मैं अंदर ही चली जाऊँगी। वो कभी नहीं चढ़े होते तो ऐसा लगता, लेकिन अब तो ये रेगुलर चीज़ें हो गई है तो बिल्कुल डर नहीं लगता। क्योंकि कब खादिन वाला ही वो रहा ना, बात करते हैं तो उसमें हम जिससे अपने देख के चेकिंग फ्लॉप के हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन से शोरूम हैं और किस किस में हम यही नहीं है क्या। काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है सभी पे, तो मेरा जो मन है वो मचल उठा देखने के लिए। फिर अभी हम कैंडी शॉप पे चले गए, कैंडी शॉप पे पहुँच गए। देखिए यहाँ पे कैंडीज बहुत ही अलग अलग तरह की और बहुत सारी कैंडीज है। ये हमने देखी तरह तरह की कैंडीज, संतरा गोली गिरा दो, कोई माला ये वाली कौन सी है, रेक्टेंगल, ये तो मिनी फ्रूट सैलेड वेज है, ब्यूटी फ्रूट का झूला वाली बना छोड़ के नया वर्जन कह सकते हैं। जली वाली जो है उनको अलग अलग शेप दे दी है। फिर उनका झूला वाली जो संतरा गोली होती थी ना, वो उस तरह की जो टॉफियाँ हैं उनको अलग अलग शेप अलग अलग शेप बच्चों को क्या कहूँ मैं, भ्रमित करने वाला ये इस्तेमाल कह सकते हो। ये लॉलीपॉप है, शायद बहुत कॉस्टली थी देखी थी। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी ही मतलब कैंडी ली थी, और चार पांच ही डालना बस ज़्यादा कुछ एक ही टैडी सा दिया था, ये टैडी सा 170 का दिया था। ये देखिए हाउस ऑफ कैंडी ये शॉप का नाम है। चार पांच ही डालना बस ज़्यादा आकर्षित करने के लिए काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं। वैसे तो ठीक है पर थोड़ा कॉस्टली लगा था मुझे ये। मैंने दो तीन ही चीज़ें ली थी, 500 रुपये का बिल हाथ में पकड़ा दिया मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। उसके बाद हम ये इधर उधर थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, बीपा पे ज़ारा नहीं है, बीपा पे सभ्यता पे तरीक जगह मैंने सूट ट्राई किए थे लेकिन जब अच्छे नहीं लगे, 50% डिस्काउंट थी। इसके बाद में हम एक्सीलेटर से नीचे उतर गए और नीचे उतर के हम ये देखिए गाइस, इसने संतरा गोली गोली ले ली 450 रुपये की, बहुत ठगी है यार। ये झूठ बुला रहे हैं, देखिए गाइस हम जा रहे हैं नीचे बस अब, और कुछ लेने की इच्छा खत्म हो गई इतनी ठगी। ये देखिए मजेदार सेकंड फ्लोर, चलिए गाइस इसी के साथ हमारी शॉपिंग खत्म हो गई है। चलिए बाय, कीजिए बाय बाय।